जेआरसीएम जो मैप पे आए हुए और यूट्यूब चैनल पे आए हुए सभी लीडर्स का मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान इस टाइम सूरतगढ़ श्री गंगा राजस्थान से सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वैसे आज हमारे बीच में आरसीएम सिस्टम के विषम पितामह श्रीमान गुरुदेव बीसी छावड़ा सर रहेंगे, लेकिन 10 मिनट के लिए हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन, आप जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, लगभग 500 से 600 साथी आप जुड़े हुए हैं, सभी साथी अगर दो दो चार चार फोन कॉल कर देंगे तो आपकी संख्या अच्छी खासी हो सकती है। आज का टॉपिक, आज की मीटिंग आपको बहुत कुछ नया सिखाएगी, बहुत कुछ आपकी जिंदगी में परिवर्तन करेगी। इसलिए जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, एक बार दो दो चार चार फोन कॉल करिए। आप देखिए जिनके माध्यम से आप आरसीएम सिस्टम से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके माध्यम से आप सपने पूरे करना चाहते हैं, या जिनके आप सपने पूरे करना चाहते हैं, उन साथियों का आज के प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप फोन कॉल करिए, हम बातचीत शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम का शानदार शुरुआत सरिता मैडम ने किया बहुत शानदार तरीके से, और आपको ये सारी सर्विस यहाँ पे दी जा रही है। कीर्ति मैडम ने प्रोग्राम को शुरुआत किया और बहुत अच्छे तरीके से आप सबका वेलकम किया और मुझे इनवाइट किया। एक बार दोनों सीनियर साथियों के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करना चाहेंगे, मेरा नाम जय नारायण हुआ, आरसीएम सिस्टम का मैं लगभग 22 सालों का स्टूडेंट, और आज एक बहुत जबरदस्त न्यूज आपके बीच में लेके आया हूं। 22 सालों का मैं आरसीएम सिस्टम का स्टूडेंट हूं, 22 सालों से आरसीएम सिस्टम में लगातार सीख रहा हूं, इसमें काम कर रहा हूं। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा इनकम मेरे परिवार में आरसीएम सिस्टम से आई है, लाखों रुपए महीने की इनकम ये सिस्टम देता है। मेरी कामयाबी का सिंगल राज कोई समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं हमेशा टारगेट पे फोकस होके काम करता हूं। आलतू फालतू कामों में, इधर उधर के कामों में मैं टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट लड़ाई झगड़ा टीवी अखबार पीठ पीछे लोगों की बुराई करना दिन में सोना फालतू किसी से नाराज होके बैठना, इन सारे कामों में अपनी ऊर्जा और वक्त बर्बाद नहीं करता हूं। कोशिश करता हूं कि जितनी ऊर्जा जितनी ताकत परमात्मा दे वो सारी की सारी मैं आरसीएम में टारगेट पे लगा सकूं, इसलिए आज आपके बीच में हूं। लाखों लोगों की टीम है, आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद सारी चीजें मुझे, आज से 22 साल पहले जो मेरे सपने थे आज मेरी जिंदगी उनसे लाखों गुना आगे चल रही है। आज एक विशेष टॉपिक पे बातचीत करना चाहूंगा जो मेरी कामयाबी का बहुत बड़ा राज यही टॉपिक है। आरसीएम सिस्टम को आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने में कुछ नहीं लगता, आपने घर के प्रोडक्ट बदले केवाईसी दी इतने में आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर आरसीएम सिस्टम में आप सपने पूरे करना चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहते हो, तो कुछ टॉपिक्स पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसमें एक टॉपिक है, बड़ी मीटिंग बड़ा फंक्शन जब भी हो उसकी तैयारी करना। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप बहुत बड़ा आरसीएम में लेवल नहीं ले पाए। आप देखिए, आप किसी को भी ज्वाइनिंग आप कैसे भी करा सकते हो, आप ज्वाइनिंग फोन पे करा सकते हो, मोटिवेट करके करा सकते हो, लालच दे के करा सकते हो, उसके सपने दे के करा सकते हो, उधार करा सकते हो, कैसे भी करा सकते हो। आज आरसीएम में किसी साथी को शामिल करने के लिए मात्र घर के यूज के प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, तो ज्वाइनिंग में कुछ है ही नहीं। कौन सा यहाँ पे 10-20-50 हजार रुपए सामान खरीदना है, मात्र 2 हजार 5 हजार का सामान खरीदा इतने से आपकी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो गई। तो ज्वाइनिंग कोई भी कर लेता है, किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो साथी ने आपके साथ ज्वाइन किया है अगर आप उसको चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो लीडर बने, आप चाहते हो कि वो नेशनल लीडर बने, आप चाहते हो कि उसका रोल्टी टेक्निकल बड़ी पिन आए, तो उसको अपने दायरे से बाहर निकालना पड़ेगा। आज 90% इंसान कुएं के मेंढक है, वो वहीं तक सारी चीजें सोचते हैं। 90% इंसानों की आज कामयाब नहीं होने का राज है कि वो कुछ दायरे तक, एक सीमित दायरे में वो सोचते हैं। उनकी सीमित दुनिया है, सीमित उनकी जानकारी है, सीमित उनकी जान पहचान है, सीमित उनके पास नॉलेज है, वो उसको ही सही मानते हैं। तो आपके साथ जिन साथियों ने ज्वाइन किया है वो भी वैसे ही है। जब तक उसको घर से निकाल के आप बड़े फंक्शन में नहीं लेके जाओगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी बड़े लीडर को सुनिए, आप, मैं आपके सामने हूं जय नारायण, आरसीएम मैंने ज्वाइन किया, 3 महीने तक मैंने कोई मीटिंग नहीं देखी, मैंने आरसीएम में कोई काम नहीं। चौथे महीने श्रीमान बीसी छाबड़ा सर की मीटिंग थी और मेरी अपलाइन ने मुझे मीटिंग में बुलाया और वहां से मैं जागा, वहां से मेरा आरसीएम में जन्म हुआ। मेरा आरसीएम में जन्म ज्वाइनिंग करने से नहीं हुआ, मेरा आरसीएम में जन्म वो मीटिंग अटेंड करने से हुआ।
अगर मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करता तो जैसे बहुत से लोग आरसीएम में कामयाब नहीं है, मैं भी उसी सीरीज में आता। जब हम एक बड़ी मीटिंग अटेंड करते हैं, वहां पे हजारों प्रकार के लोग होते हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल होते हैं, हर प्रकार से हर एंगल से वहां पे चीजें दिखाई जाती है। आप अगर किसी भी सिस्टम का बड़ा रूप देखना चाहते हो तो आपको उसका सेमिनार, एक बड़ा फंक्शन देखना पड़ेगा साहब। मेरी जिंदगी में जो आरसीए में सबसे बड़ा परिवर्तन आया, सबसे पहले वो मैंने एक मीटिंग अटेंड करी थी, शायद महीना रहा होगा नवंबर 2002, बीसी छाबड़ा सर की मीटिंग थी और 20 तारीख को वो मीटिंग थी। वहां से आरसीएम में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी जिंदगी में आया 24 दिसंबर 2006 को, श्रीमान बीसी छाबड़ा सर ने श्री गंगान के लिए हमें डेट दी गई और हमें बोला गया कि इसकी बड़ी तैयारी कर ली, और उसकी हमने हमारे कैरियर की सबसे बड़ी तैयारी करी थी। उस टाइम उसमें लगभग 12,000 लोग आए थे साहब, और वो उस टाइम का सबसे बड़े फंक्शनों में से एक था। और वहां से जय नारायण नाम की चमक पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में गई थी। अब ये दोनों मौके आपके पास, अभी बहुत से बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसकी अपने को तैयारी करनी चाहिए, वो प्रोग्राम हो रहा है 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम दिल्ली। आरसीएम के इतिहास का नहीं, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का वो सबसे अनोखा प्रोग्राम है। हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां काम करती है, कोई भी कंपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम कर ही नहीं पाए। आरसीएम का ये दूसरा बड़ा प्रोग्राम है। आरसीएम के पास नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम करने का 1 साल का अनुभव भी है, और आरसीएम नहीं, नेटवर्क मार्केट के इतिहास का ये सबसे अनोखा प्रोग्राम है। पूरे हिंदुस्तान के युवा जोश वाले साथी वहां पे आ रहे हैं, और आपको युवाओं के जोश का पता है साहब, और वो सारे के सारे साथी 7 जुलाई को दिल्ली में आ रहे हैं। कितना बड़ा मौका है। आप छोटी मोटी मीटिंग में आप अपने सपने बोल देते हो कि मैं कार खरीदूंगा, मैं घर खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं परिवार का गेम चेंजर बनूंगा। इन सपनों को बोलने में 1 मिनट लगता है, बल्कि आधी मिनट लगती है। अगर इन सारे सपनों को पूरा करना चाहते हो, मेरा 22 साल का अनुभव है, तो ये 7 जुलाई का प्रोग्राम आपके करियर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। 7 जुलाई को दिल्ली के अंदर एक ऐसा अनोखा प्रोग्राम हो रहा है जिसकी किसी भी कंपनी ने आज तक कल्पना नहीं करी। पूरे हिंदुस्तान के युवा साथी वहां पे आ रहे हैं, और ऐसा प्रोग्राम पहली बार होगा जहां पे चाहे सेलिब्रेशन देखोगे, चाहे स्टेज का संचालन देखोगे, चाहे लोगों का परफॉर्मेंस देखोगे, हर एक चीज अलग होगी। मैं आज यहां पे स्पेशल, आज कोई मेरा शेड्यूल से मीटिंग नहीं थी, स्पेशल उस प्रोग्राम में आपको इनवाइट करने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं, आप में से बहुत से साथी एक बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए साहब, आप में से कुछ साथी वाइटल अचीवर है, कुछ लीडरशिप रोल्टी, कुछ टेक्निकल अचीवर है। आप एक टीम को मैनेज करते हो, जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी साहब। उस प्रोग्राम की तैयारी अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी तैयारी आपको करनी चाहिए। मैं स्पेशल उस प्रोग्राम में आपको इनवाइट करने आया हूं। मुझे नहीं पता अब तक आपने कैसी तैयारी करी है। आपके बहुत से बहाने होंगे कि मेरी अपलाइन के पास टिकट नहीं है, ट्रेन में टिकट नहीं है, मेरा दूरी है, मुझे घर पे ये काम है, मुझे घर पे ये काम है। देखिए साहब, आपके कैरियर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। अगर आप सच में परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो और आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो यह डिसीजन आपको हर हाल में लेना चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं हो, चाहे कितने भी काम हो, चाहे कितने भी बहाने हो, उन सब बहानों को, उन सारी बाधाओं को चीरते हुए 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम की आपको बड़ी तैयारी करनी चाहिए। और अगर इस प्रोग्राम की आप बड़ी तैयारी नहीं कर रहे हो, ये आपके कैरियर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होगी। इस प्रकार का अनोखा प्रोग्राम पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, इस प्रकार का मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम हो रहा है। और इस प्रोग्राम में मैं एकदम दिल से बोल रहा हूं, आप किसी भी इंसान को कैसे भी करके इस प्रोग्राम में ले जाओ, उसकी अंतरात्मा कई बार इस प्रोग्राम में जागेगी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, उसके रोम रोम, उसके जर्रे जर्रे में
आरसीएम हमेशा के लिए समा जाएगा, वो जाएगा एक साधारण बन के, लेकिन आएगा आरसीएम मैं होके, आरसीएम का एक तूफानी लीडर बन के, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की कहानियां वहां पे होगी, पूरे हिंदुस्तान के रोल मॉडल उस दिन प्रोग्राम में होंगे, पूरे हिंदुस्तान के युवा ब्रांड न्यू रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर वहां पे होंगे, और पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कहानियां जिसके नेटवर्क मार्केटिंग दुआई देता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है, यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, एक आदमी दुनिया से चला जाए उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है, इन सारी चीजों का लाइव डेमो देखना हो और लाइव डेमो किसी भी इंसान को दिखाना हो, तो 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम ना आपको पहले मिला है ना शायद आने वाले टाइम में मिलेगा। ये आपके कैरियर की सबसे बड़ी गलतियों में से होगी अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो। अगर इसकी आपने तूफानी तैयारी करी तो यह आपके कामयाबी में सबसे बड़ा, अगर तूफानी कोई गेम चेंजर पॉइंट होगा तो वो 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम की तैयारी का होगा। बहाने बहुत है, आपने कई बार मीटिंगों में आप बोलते हो और हजारों बार आपने सुना है कि बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं मिलती, जिंदगी में बहाना चाहिए, कामयाबी आपको डिसाइड करना है। आप में से कुछ लोग ये बहाना करेंगे कि सर मेरी अपलाइन नहीं जा रही, मेरी वो टीम का साथी नहीं जा रहा, मेरा वो रोल्टी नहीं जा रहा, मेरा वो टेक्निकल नहीं जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आरसीएम सिस्टम में उनकी कामयाबी के लिए आए हो या अपनी कामयाबी के लिए आए हो? आपको आरसीएम सिस्टम में आपके उस अपलाइन की कामयाबी चाहिए या आपके उस टीम के साथी की कामयाबी चाहिए, आपकी कामयाबी चाहिए? अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको इस प्रोग्राम में आना चाहिए। हो सकता है आपके उस लीडर का, हो सकता है पेट भर गया हो सकता है उस लीडर के सपने खत्म हो गए हो सकता है उसका विजन क्लियर नहीं हो। अगर मैं जय नारायण आरसीएम में आज जितने कोर लीडर है मैं माफी चाहूंगा, ये जितने बड़े लीडर है ना, अगर ये अपलाइन के भरोसे चलते, और बहुत बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है साहब जिसको मैंने ज्वाइन, जिसको मुझे ज्वाइन कराया था वो आज आरसीएम में नहीं है, जो मेरा वर्क उस टाइम जो मेरा रोल्टी टेक्निकल था वो आज आरसीएम में नहीं है, अगर मैं उनके भरोसे चलता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। तो अगर सच में आज मेरे कहने से आपके परिवार में माँ बाप होंगे, बीवी बच्चे होंगे, आपके परिवार में जो भी है जीवन साथी है, बच्चे हैं, एक बार आज उनको ध्यान से देखना है, ये सोचना है कि मैं इनके लिए क्या करना चाहता हूं, और मुझे 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में इनकी कामयाबी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपने हजारों ब्याह शादी फंक्शन अटेंड किए होंगे, हजारों आप यात्राओं पे गए होंगे, हजारों प्रकार के नान तीर्थ आपने किए होंगे, लेकिन मैं बता सकता हूं ये 1-7 जुलाई की यात्रा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, आपके टीम में नए जोशीले साथियों को तैयारी कर सकती है। अगर इस प्रोग्राम से अगर अभी एक भी तैयार नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं आप खुद चले गए, अगर आप जाग गए, आप देखिए साहब, एक बीसी छाबड़ा सर जगे, एक श्रीमान टीसी छाबड़ा सर जगे, एक आदमी के जगने से आज लाखों करोड़ों लोगों का कारवां बन गया। अगर इस प्रोग्राम में जाने से आपकी अंतरात्मा भी ठीक से जग गई, आपने एक मीटर भी इस प्रोग्राम में जाने से अगर प्यार कर लिया, हो सकता है वो भविष्य का मुकेश कोठारी सर हो सकता है वो भविष्य का सुरेंद्र भट्ट साहब हो सकता है वो भविष्य का महावीर सारण साहब हो, तो कितना बड़ा आपके पास मौका है। हम तो बताना चाहेंगे, हजार प्रकार की होम मीटिंग, हजार प्रकार के लोकल सेमिनार, हजार प्रकार की आपकी लोकल की ट्रेनिंग, उन हजारों प्रोग्राम में या अकेला प्रोग्राम भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपके लोकल में जो सेमिनार होता है उसमें एक दो एग्जाम्पल होते हैं, एक दो कहानियां होती है, एक दो लीडर होते हैं, और पहली बार आरसीएम के पूरे तूफानी लीडर, पूरे हिंदुस्तान की कहानियां जिन्होंने इतिहास रचा है, जो सच में परिवार के गेम चेंजर बने हैं, वो सारी कहानियां एक जगह इकट्ठी हो रही है। इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर सच में आप गेम चेंजर बनना चाहते हो, सच में अपने मां बाप और परिवार के सपने पूरे करना चाहते हो, सच में हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, सच में नेशनल लीडर बनना चाहते हो, तो सारे बहानों को खत्म कर दीजिए, आज से अभी से एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, एक ही मंजिल, 7 जुलाई दिल्ली, 7 जुलाई दिल्ली, 7 जुलाई दिल्ली। बहाना है कि ट्रेन नहीं जा रही, फ्लाइट नहीं जा रही,
मैं बोलता हूं हिंदुस्तान की सारे रोडे दिल्ली की तरफ जाती है, हिंदुस्तान की सारी रेलवे लाइनें दिल्ली की तरफ जाती है, हिंदुस्तान की सारी एयरलाइनें भी दिल्ली की तरफ जाती है। अरे बस नहीं मिल रही तो ट्रेन मिलेगी, ट्रेन नहीं मिलेगी तो ट्रक मिलेगा, ट्रक नहीं मिलेगा तो मोटरसाइकिल मिलेगा, मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल मिलेगी। हिंदुस्तान का दिल्ली सेंटर पॉइंट है जहां पे हर प्रकार से रास्ता जाता है, सिर्फ आपके बहाने को खत्म करना है। और जिंदगी में अगर बहाने को आगे रखा तो कभी भी कामयाबी की उम्मीद मत करो। बहाना है मेरी अपलाइन नहीं जा रही, मेरी टीम नहीं जा रही, ये है वो है, दूरी ज्यादा है, किराया भाड़ा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो इन बहानों को आज नहीं तो कल आपको साइड करना पड़ेगा। आज कर दोगे तो कल के राजा आप होंगे, और आज नहीं करोगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा। फिर आपकी जिंदगी में एक शब्द रहेगा, काश हिंदुस्तान के सारे एग्जाम्पल एक जगह आ रहे हैं। और सच में जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया है, जिनके माध्यम से आप रोल्टी टेक्निकल जाना चाहते हो, जिनके आप सपने पूरे करना चाहते हो, उनके भीतर के मां मानव को जगाना है, उनके भीतर अगर कामयाबी की आग लगानी है, उनके भीतर अगर कामयाबी के दानों को खड़ा करना है, तो 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम दिल्ली, 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम दिल्ली, जिन भी साथियों को आप जिंदगी में सक्सेस करना चाहते हो, जिनको जिंदगी में आगे ले जाना चाहते हो, ये सबसे बड़ा मौका है, ये सबसे बड़ा अवसर है। चाहे कैसे भी, चाहे रुला के ले जाना पड़े, चाहे जगा के ले जाना पड़े, चाहे किडनैप करके ले जाना पड़े, चाहे जबरदस्ती ले जाना पड़े, 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम दिल्ली, ये प्रोग्राम आपके लाइफ का गेम चेंजर प्रोग्राम हो सकता है। ये प्रोग्राम आपके बिजनेस की दशा और दिशा बदल सकता है। ये प्रोग्राम आपके परिवार की सोच बदल सकता है। हम तो निवेदन करना चाहेंगे सारे लीडर्स को, इस प्रोग्राम में फैमिली सहित आना चाहिए, और 15-16 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनको हर हाल में, अगर आप चाहते हो कि आरसीएम बिजनेस आपके बच्चे का ड्रीम बन जाए, अगर चाहते हो कि आपका आरसीएम बिजनेस आपके जीवन साथी के रग रग में समा जाए, तो 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम अब तक के इतिहास का अनोखा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का पल पल, इस प्रोग्राम की इतनी तैयारियां चल रही है पर्दे के पीछे, इस प्रोग्राम का एक एक पल आपकी अंतरात्मा को जगाएगा। हम दावे के साथ बोल सकते हैं ये प्रोग्राम जरूर 4 या 5 घंटे का होगा, लेकिन 4 और 5 घंटे में आपको सैकड़ों बार अंदर से आपको रुलाएगा, जगाएगा, हंसाएगा, आपके रोम रोम को बड़ा लीडर बनाने के लिए प्रोग्राम खड़ा करेगा। तो साथियों, हम स्पेशल, कोई बहाना नहीं, हम स्पेशल आज इस प्रोग्राम में आपको इनवाइट करने आए हैं। और अभी भी आपके पास वक्त है, आपकी जिंदगी में काश शब्द नहीं आए, आपको फिर पछताना शब्द नहीं पड़े, आप कहीं चूक मत जाना, इसके लिए मौका है 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम दिल्ली। मुझे वक्त इतना ही दिया गया था, आज उस इंसान का प्रोग्राम है दोस्त, इंसान कहूं देवता कहूं भगवान नहीं मुझे नहीं पता, जिन्होंने लाखों लोगों को त्रास के लीडर बनाया है, लाखों लोगों को इस नेशनल मंच पे चमकने के लिए तैयार किया है, लाखों लोगों को तरोस तराशा है, लाखों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदली है। एक ऐसा इंसान जो दिखने में आपको साधारण दिख सकता है, लेकिन साहब आपने पिछले 22 सालों में, 24 सालों में हजारों रात सोए हैं, वो इंसान आपकी कामयाबी के लिए हजारों रातें रास्ते में गुजारी है, हजारों रातें ट्रेन बस फ्लाइट में गुजारी है, हजारों रातें ट्रेन बस फ्लाइट के इंतजार में गुजारी है। जिस इंसान ने पिछले 24 सालों से पल पल आपके कामयाबी के लिए तपस्या की है, आज जहां तक हिंदुस्तान की सेना नहीं जाती, जहां तक हिंदुस्तान का पोस्ट विभाग नहीं जाता, उससे आगे अगर आरसीएम जाता है तो उसी श्रीमान बीसी छाबड़ा सर का रोल है दोस्त। एक ऐसा इंसान जिसने आपकी रॉयल्टी के लिए हजारों रातें खराब करी है, जिसने आपकी रॉयल्टी के लिए हजारों रातें प्लानिंग करी है, जिसने अपना शरीर, दिल, दिमाग, हर चीज आपकी रॉयल्टी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए लगा दिया है। आज हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम्पल है, आज हिंदुस्तान में जितने भी स्टेज पे शब्द बोले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पहली बार श्रीमान बीसी छाबड़ा सर के श्रीमुख से निकले हुए हैं।